हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डीबीएमएस का स्ट्रक्चर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको, आपका क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपको ये बना के आना है पेपर में ये, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आपका डिफाइन करता है पूरे डेटाबेस को। इसके अंदर आपके पूरा डेटाबेस जो है वो कंबाइंड है इसके अंदर, तो आपको ये पेपर में बना के आना ही आना है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, आपको कहीं जहाँ पर आपको डेफिनेशन बोले डीबीएमएस की, या डीबीएमएस के स्ट्रक्चर को बोले, या डीबीएमएस के बारे में डिफाइन करने को बोले, वहां पर भी आप इसको बनाए। यूजर बोले वहां पर भी आपको बना के आना है। क्वेरी प्रोसेसिंग है वहां भी आप बना सकते हैं। डिस्क स्टोरेज के बारे में आपसे पूछता है वहां पर भी आपको बनाना है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिवाइडेड होता है। अभी आपको पता चलेगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। सो आर्किटेक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है, या उसके कंपोनेंट आपको बताने हैं डीबीएमएस के, तो उसके लिए आपको ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना है। बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, और ये डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ओवरऑल जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो डेटाबेस सिस्टम इज पार्शली इनटू द मॉड्यूल एंड डील विद द ईच ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। सारे सिस्टम में वो क्या करता है, ओवरऑल सिस्टम पे डील करता है। जो आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है वो मेनली आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आते हैं इसमें यूजर, दूसरा इसमें आता है आपका क्वेरी प्रोसेसिंग, तीसरा आता है इसमें स्टोरेज प्रोसेसर, एंड चौथा इसमें आता है आपका डिस्क स्टोरेज। ये 4 पार्ट में आपका पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। पूरा डेटाबेस है ये। सबसे पहले आते हैं आपके यूजर। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, अभी थ्योरी हम लोग आगे देखेंगे, इसके 4 टाइप के इसमें यूजर होते हैं आपके, और यूजर का एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर इन डीबीएमएस, तो वो भी आपका यहाँ पर क्लियर होगा। तो 4 टाइप के आपके इसमें यूजर होते हैं। एक होता है एंड यूजर, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं, तीसरा सोफिस्टिकेटेड यूजर हम लोग बोलते हैं इसको, एंड एनालिटिकल यूजर भी बोलते हैं, एंड लास्ट आता है आपका डीबीए। एंड यूजर वो यूजर होता है जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है आपके डेटाबेस में। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो प्रोग्रामर होते हैं जो एंड यूजर को कमांड देते हैं और खुद भी वर्क परफॉर्म करते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूजर ये केवल आपको कमांड देने का काम करते हैं और खुद कम वर्क करेंगे, बट करेंगे ये भी वर्क। एंड डीबीए जो होता है ओवरऑल होल एंड सोल होता है आपका डेटाबेस का, वो होता है डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं इसको। इसमें किसको उसने एक्सेस करना है डेटाबेस में, किसको रिमूव करना है, किसको स्टोर करना है, वो प्रोसेस आपका डीबीए का होता है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो एंड यूजर, अगर हम लोग कॉलेज की बात करते हैं तो एंड यूजर हो जाते हैं स्टूडेंट जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करें आपके कॉलेज में। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो प्रोग्रामर होते हैं जो आपको कमांड भी देते हैं और खुद भी वर्क परफॉर्म करते हैं, आपके जितने भी टीचर होते हैं वो, क्योंकि खुद भी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ाते हैं वो, तो वो टीचर होते हैं। इसके बाद सोफिस्टिकेटेड यूजर की अगर हम बात करें, वो होते हैं आपके एचओडीज। मे बी ये वर्क कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट ये कमांड देते हैं आपके टीचर्स को, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम। एंड डीबीए आपका होता है ओवरऑल, डीन है आपका या आपका प्रिंसिपल है कॉलेज का, वो आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डीबीए होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डिफरेंट टाइप के यूजर हैं। आगे अभी हम लोग इसके डेफिनेशन प्रॉपर वे में देखेंगे। इसके बाद आते हैं आपके क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी प्रोसेसिंग में आपके पास मेनली जो डेटाबेस की क्वेरी होती है वो 2 आपके परफॉर्म होती है, डीडीएल एंड डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड डीडीएल इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो वहां पर आपका प्री कंपाइलर एंड डीडीए कंपाइलर होता है जिसके थ्रू आप कंपाइल करेंगे डेटा को, एंड उसके बाद आपको उसको डिस्क में स्टोर करना है या स्टोरेज प्रोसेसर के पास भेजना है, वो आप भेज सकते हैं, तो वो क्वेरी प्रोसेसिंग का काम होता है। इसके बाद आता है आपका स्टोरेज प्रोसेसर। स्टोरेज प्रोसेसर का मीनिंग जो डेटा आपका स्टोर करके रखेंगे, जितने भी डेटाबेस मैनेजर होते हैं, फाइल मैनेजर होते हैं, जो मेंटेन करेंगे आपके पूरे डेटा को, उनको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजर या फाइल मैनेजर। एंड इसके बाद अब आपको वो डेटाबेस में स्टोर करना है, तो वो होते हैं आपके डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज के अंदर आपके इंडेक्सेस आती हैं, डेटा फाइल्स आती हैं, डेटा डिक्शनरी आती हैं। इसमें जैसे इंडेक्सेस की बात करें, इंडेक्सेस एक फास्टली डेटा को एक्सेस करने के लिए, ये कैच मेमोरी की तरह वर्क करता है, आपका स्टोरेज काम करता है कि फास्टली आपको डेटा एक्सेस करना है तो वो आप स्टोर कर सकते हैं। डेटा की फाइल बना के आपने डिक्शनरी पे स्टोर कर दिया है, या डेटा डिक्शनरी आपने बनाई और उसको स्टोर कर दिया, तो इस टाइप से भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर का डायग्राम है। अब देखिए डेटाबेस आर्किटेक्चर जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले डीबीएमएस यूजर होते हैं, डेटा क्वेरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज प्रोसेसिंग, डिस्क स्टोरेज।
डीबीएमएस यूजर सबसे पहले आते हैं, डेटाबेस यूजर आज की कैटेगरीज ये होती हैं आपकी। सबसे पहले नेवी यूजर या एंड यूजर बोलते हैं इनको। एंड यूजर अनसोफिस्टिकेटेड हु वर्क, जो एक्चुअल वर्क आपका डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं वो आपके होते हैं एंड यूजर। फॉर एग्जाम्पल में मैंने रेलवे टिकट बुकिंग यूजर आर नेवी यूजर, जो बुक कर रहा है वो क्या है एक नेवी यूजर है, उस एक्चुअल में वर्क वो परफॉर्म कर रहा है बट उसका अंदर की फंक्शनैलिटी का पता नहीं है। क्लियर इट, एनी बैंक इज नेवी यूजर बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डीबीएमएस नॉलेज, उनको डीबीएमएस की कोई नॉलेज नहीं है, वो केवल आपका पर्चा भर रहे हैं और टिकट बुक कर दे रहे हैं आपका। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या होते हैं, इन्हें नॉलेज होती है, इन्हें जो होगी नॉलेज होगी। प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर दी बैक एंड प्रोग्रामर हुज रिटन राइट द कोड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, दे आर द कंप्यूटर प्रोफेसर, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको नॉलेज होती है कुछ लैंग्वेज की, सी सी प्लस प्लस इस टाइप की लैंग्वेजेस की होगी, एंड इसके थ्रू वो डिज़ाइन करेंगे। सोफिस्टिकेटेड यूजर जो कमांड देगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, ये इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो क्या कहते हैं एक्चुअली कमांड देंगे आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर को और वो वर्क परफॉर्म करेगा। एंड लास्ट आपका होल एंड सोल होता है पूरे डेटाबेस का, वो होता है आपका डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे डेटाबेस को किसको एक्सेस करना है, किसे स्टोर करना है, किसे रिमूव करना है, वो सारा प्रोसेस आपका डीबीए करेगा। तो डीबीए होल एंड सोल होता है, इसके कुछ वर्क भी हैं क्योंकि डीबीए का अलग से भी आ जाता है आपका एक क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डीबीए, सो डीबीए विल देन क्रिएट अ न्यू अकाउंट आईडी, ये नया अकाउंट आईडी क्रिएट कर सकता है, पासवर्ड क्रिएट कर सकता है आपका जब आपको एक्सेस होगा। डीबीए ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, किसी भी यूजर को सिक्योरिटी डेटाबेस में मॉडिफाई करना है, एक्सेस करना है, वो सब भी आपका डीबीए का काम होता है। डीबीए मॉनिटर दी रिकॉर्डिंग एंड दी बैकअप, ये बैकअप को मेंटेन करता है आपका, रिकवरी जितनी भी होगी उनको मॉनिटर करेगा। इसके अलावा डीबीए अकाउंट इन दी डीबीएमएस विच कॉल्ड द सिस्टम और सुपरवाइजर अकाउंट, मतलब ये सुपरवाइजर और सिस्टम अकाउंट को मेंटेन करके रखेगा। एंड डीबीए रिपेयर डैमेज, जितने भी डैमेज होंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनको मेंटेन करने का काम भी आपका डीबीए के थ्रू ही होगा। कमांड देगा डीबीए बट वर्क तो आपके यही परफॉर्म करेंगे, या तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर आपका परफॉर्म करेगा, सोफिस्टिकेटेड यूजर या एंड यूजर, ये केवल कमांड देगा, ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये डीबीए का काम होता है। तो ये यूजर, अलग से एक यूजर का क्वेश्चन भी आता है, एक अलग से आपका क्वेश्चन आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल, तो वहां पर भी आपके ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी चार क्वेश्चन तो आपके यहीं पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग के अंदर आपकी आती है, मतलब जब आप एग्जीक्यूट करें तो किसी ना किसी क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें आपके डीडीएल के प्री कंपाइलर होते हैं, डीडीएल कंपाइलर होगा जिसके थ्रू आपके डेटा डेफिनेशन की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज के जितने भी आपके कमांड होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। डीएमएल प्री कंपाइलर पहले ही प्री कंपाइल करेगा, देन आपका प्रॉपरली कंपाइल होगा डेटा। सो डीडीएल आपकी पता है डेटाबेस स्ट्रक्चर करने के काम आता है, डीएमएल आपका मैनिपुलेशन, जो डेटा के अंदर कोई चेंजेस करने हैं वो आपके परफॉर्म होते हैं। सो इसके अंदर आपके सब प्रोसेस होते हैं, डीडीएल इंटरप्रेटर, डीएमएल कंपाइलर है, क्वेरी इवेल्यूशन इंजन है, ये परफॉर्म होते हैं आपके, चेक करिएगा इनको। इसके बाद स्टोरेज मैनेजर एंड प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर जो मीन्स एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे, जो मैनेज करके रखेंगे आपका जो भी डेटा है, ताकि प्रॉपर वे में आप डेटाबेस में उसको स्टोर कर सकें। सो स्टोरेज मैनेजर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस एंड द क्वेरी, जो क्वेरी रिसीव है आपकी। देखिए अगर डायग्राम की आप बात करते हैं तो स्टोरेज मैनेजर क्या करता है आपका क्वेरी प्रोसेसिंग एंड डिस्क स्टोरेज के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, कि यहाँ से डेटा बोले और यहाँ प्रॉपर वे में उसको स्टोर कर दे, तो वो काम होता है आपका स्टोरेज प्रोसेसर का। तो इसके अंदर आपके ऑथराइज मैनेजर हो गया, ट्रांजेक्शन मैनेजर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, बफर मैनेजर हो गए, ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट होते हैं आपके। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका डिस्क स्टोरेज, लास्ट में आपके जो डेटा है एक प्रॉपर डिस्क में स्टोर होगा। इट कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट, डेटा फाइल्स, इट स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, डेटा डिक्शनरी, एक प्रॉपर वे में डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है तो वो आपका स्टोर होता है, इंडेसेस, इट प्रोवाइड फार एक्सटेंट ऑफ डेटा, फास्टली एक्सेस करना है डेटा को तो उसके लिए आप इंडेसेस का यूज करते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर था। थैंक यू स्टूडेंट।